सुपर सिक्स की शुरुआत राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री के साथ। औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से की जाने लगी है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा कि वोट देते वक्त मतदाता को प्रियंका में इंदिरा गांधी नजर आएंगी, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी प्रियंका गांधी की राजनीति में आने को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रियंका में इंदिरा गांधी जैसी बात नहीं, प्रियंका के राजनीति में आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका की राजनीति में एंट्री को लेकर रामदेव ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, कहा चुनावी अखाड़े में पहलवान मजबूत होते हैं तो मजा आता है। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने प्रियंका और राहुल गांधी की तारीफ की, कहा राहुल फेल नहीं और प्रियंका के आने से बदलेगी तस्वीर। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर बिना नाम लिए पीएम मोदी बोले, ज्यादातर केस में परिवार ही पार्टी, लेकिन बीजेपी में पार्टी ही परिवार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में नुक्कड़ नाटक में ग्रामीणों के साथ किया संवाद, महासचिवों के नाम की घोषणा के बाद पूछा मजा आया कि नहीं। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का मोदी पर हमला, नोटबंदी को बताया कालेधन को सफेद करने का घोटाला। मेहुल चौकसी के बहाने राहुल का अरुण जेटली पर वार, कहा जेटली के बेटी के अकाउंट में पैसे भेजता था चौकसी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे का आज दूसरा दिन है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ह्यूमन ऑफ बॉम्बे फेसबुक पेज को दिए इंटरव्यू में मोदी ने किया खुलासा, हर साल जंगल में अकेले 5 दिन बिताते थे मोदी। न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे अरुण जेटली की अनुपस्थिति में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। माना जा रहा है कि अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ही इस बार बजट पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की न्यूयॉर्क में हुई सर्जरी, डॉक्टरों ने 2 हफ्ते के लिए आराम करने के लिए सलाह दी। सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक है आज, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कॉलेजियम प्रस्ताव को ना मानने पर अफसोस जताया, प्रस्ताव के तहत जज राजेंद्र मेनन और प्रदीप नंद्राजोग की होनी थी नियुक्ति। हैकर सैयद शुजा के दावों की खुल रही है पोल, विन आईटी सॉल्यूशंस ने एबीपी न्यूज से कहा शुजा ने कंपनी के साथ कभी काम किया ही नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में बोले आप विधायक अमानतुल्ला खान, दिल्ली में आपको जिताए मुसलमान, केंद्र में कांग्रेस को देंगे समर्थन। वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में बोले केजरीवाल मोदी और शाह के अलावा जो भी पीएम बनेगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, राहुल गांधी को पीएम नहीं बनने देना चाहती ममता बनर्जी की पार्टी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं, आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी ने कहा सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, टीडीपी के साथ गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर पर। फिर बिगड़े बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बोल, बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर की अभद्र टिप्पणी। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीएसपी को डंक मारने वाला बिच्छू और एसपी को सांप बताया। आगरा से बीजेपी सांसद और एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया ने एसपी बीएसपी के गठबंधन को ठग बंधन बताया, साथ ही मायावती को दलितों का सौदागर कहा। मुंबई में करणी सेना ने अभिनेत्री कंगना रनौत के घर के बाहर प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर देने वाले बयान पर माफी की मांग की है। मणिकर्णिका फिल्म विवाद पर कंगना ने करणी सेना से माफी मांगने से इनकार किया, कहा फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को देसी नस्ल की गाय देने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में पुलिस ने स्पीकर सेल से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में आतंकी संगठन आईएस के कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार आरोपियों पर बड़ा खुलासा, केमिकल अटैक की तैयारी थी। महाराष्ट्र के ठाणे और औरंगाबाद से एटीएस ने 9 लोगों को आईएस के संपर्क के शक में गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में टेरर फंडिंग और आईएस मॉड्यूल के सक्रिय होने की सूचना पर एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा।
गोंडा में छापेमारी के दौरान एनआईए और एटीएस की टीम ने मदरसे के मौलवी से पूछताछ की, कई दस्तावेज भी जब्त किए। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दो कारों के बीच टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हुए हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में सेंट्रो कार पलट जाने से एक की मौत, तीन लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे में कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत, डिवाइडर से टकराकर पलटी थी सेंट्रो कार। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस की स्पेशल सेल ने 90 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप की बरामदगी के साथ पुलिस ने तस्करी से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में एक ब्रिटिश नागरिक भी है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में हुई लड़की की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, लिविन में रहने वाले युवक ने बार बार पैसे मांगने पर की थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में शराब के लिए पैसे ना देने पर पति ने पत्नी को दोनों कान काट दिए। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 7 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ, रेप की कोशिश के बाद बच्ची का गला दबाकर हत्या की थी। यूपी के शाहजहांपुर में दो बच्चों की धारदार हथियार से हत्या से मची सनसनी। मुंबई से सटे विरार में 3 दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, 1 लाख रुपए के लेन देन में हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में स्कूल बस ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता के बेटे की गुंडाई, फायर मिस होने के बाद हवा में लहराया तमंचा। कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े अभिषेक मिश्रा भोपाल से गिरफ्तार हुए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ की थी टिप्पणी। बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिया अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी, कमलनाथ सरकार ने सवाल उठाए, दिल्ली पुलिस ने अभिषेक को किया है गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में बिल्डर हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, बिजनेस पार्टनर ने ही सुपारी देकर करवाई थी हत्या। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दबंगों ने दुकान में घुसकर पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीटा, दुकान में रखे रुपए लूटे। एमपी के सागर में सहकारी समिति ने लापरवाही से किसान को बनाया लाखों का कर्जदार, हार्ट अटैक से किसान की मौत। सागर में किसान की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम। गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाने से कुछ ही दूरी पर युवक की गोली मारकर हत्या। गुरुग्राम में जिस शख्स की हत्या हुई है वो पहले गैंगस्टर नीटू गहलोत की गैंग से जुड़ा था। गुरुग्राम में चेकिंग के लिए रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिस पर दबंग ने बाइक चढ़ाने की कोशिश की। फरीदाबाद में काम के पहले दिन ही परिवार के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर नौकरानी ने जेवर लूटे। यूपी के औरैया में इंस्पेक्टर ने ही सिपाही की पिटाई की, सिपाही के अधिकारियों से की शिकायत। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग के घर से भागने के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस ने पड़ोस की लड़की को छत से धक्का दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा निकालने वाले 2 छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया नोटिस। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम ओएनजीसी बेस से रेडियो एक्टिव पदार्थ गायब, अधिकारियों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हिमाचल के मंडी के बाजार में लगी आग, 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। एमपी के छिंदवाड़ा के अस्पताल में झाड़फूंक से हो रहा है मरीज का इलाज। यूपी बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कुंभ मेले में प्रवासियों के दौरे को बताया फायदेमंद, कहा दुनिया भर में होगा कुंभ का प्रचार प्रसार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जवाहर टनल पर जमी बर्फ को साफ करने का काम जारी, लगातार बर्फ गिरने से सड़कों पर जमी है बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर की राजौरी में और पुंछ को जोड़ने वाली सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद फंसे पर्यटक धनौल्टी और धूबाकोट में एसडीआरएफ टीम सड़कों पर जमी बर्फ को हटा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हुए, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते खुले, प्रशासन ने पानी और बिजली सेवा बहाल की। और अब बात खेल की, विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे से आराम दिया गया है, टी20 सीरीज में भी नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा करेंगे टीम के कप्तानी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला परसों है, सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 8 विकेट से रौंदा, 156 रन का पीछा करते हुए शिखर ने नाबाद 75 बनाए, वहीं विराट ने नाबाद 45 रन बनाए।
मैन ऑफ द मैच बने शमी ने 3 विकेट लिए। कप्तान कोहली बोले शमी फिटनेस के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। मोहम्मद शमी वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। शमी ने कुल 56 मैच खेले हैं। बॉल टैंपरिंग में बैन झेल रहे डेविड वार्नर की कोहनी की सर्जरी सफल रही। 4 हफ्तों के बाद फिर से कर पाएंगे बल्लेबाजी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एंडेल फेहलू कवायो पर नस्लीय टिप्पणी करके फंसे। आईसीसी कर सकता है कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ ने वेटलिफ्टर संजीता चानू पर लगाया बैन को हटा दिया है। डोप टेस्ट में फेल रहने पर लगी थी पाबंदी। मैक्सिको सिटी में रहवासी इलाके से 100 किलोमीटर की दूरी पर फटा ज्वालामुखी। 3 किलोमीटर तक दिखाई दिया हवा में धुआं। पाकिस्तान में दवाई कंपनियों ने बढ़ाई 100 दवाइयों की कीमत। हर दवाई के दाम पर 15% की बढ़ोतरी की गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।